Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss current affairs जो कि आपके पेपर वन के लिए इम्पोर्टेंट है. मैं बार बार बोलती हूँ कि इस सेशन के अंदर आपको सिर्फ पेपर वन ओरिएंटेड करंट अफेयर्स मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपका इकोनॉमी है या फिर टेक्नोलॉजी है या अलग अलग तरीके के जो करंट स्पोर्ट्स है, तो वो करंट अफेयर नहीं है. ये पेपर वन स्पेशल है, तभी स्लाइड के ऊपर भी मैंशन किया है कि पेपर वन स्पेशल करंट अफेयर. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स कि हमारा जो पेपर वन की क्लास है 10 बजे यूट्यूब पे और 11:30 आपको ऐप पे मिलेगा. मीन्स आपको ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये 3 डेज मेरे हैं और मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 डेज तो लेगा मैम. मंडे टू सैटरडे आप लोगों को 10 बजे पेपर वन यूट्यूब पे मिलेगा एंड 11:30 पेपर वन आप लोगों को ऐप पे मिलेगा. दोनों सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, मेक श्योर आप इन फ्री सेशंस का बेनिफिट जरूर उठाएं. एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसको चेक कर पाएं एंड इसके इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स उनको नोट कर पाएं. और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप लोगों को कोई भी, चाहे वो पेपर वन की क्लास है पेपर टू की क्लास है, कोई भी सेशन आप लोगों का मिस ना हो. राइट, तो लेट स्टार्ट. और एक दो इम्पॉर्टेंट अपडेट, लाइक हमारा बैच 2.0 है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें बेसिक से आपके फाउंडेशन कोर्स आपको कवर करा जाएंगे बाय पेपर वन एंड पेपर टू फैकल्टीज. इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस इन केस आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू बाय एक्सपर्ट्स. पेपर वन मी एंड तुलिका मैम आपको कवर करेंगे. बिल्कुल लाइव क्लास है, बहुत ज़्यादा अभी यूनिट्स कवर नहीं हुई हैं, तो दिस इज द राइट टाइम अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं. एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड. कोई भी डाउट है फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड या फिर आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं विद टीम. तो लेट स्टार्ट विद द सेशन. और प्रीति पेपर वन यूजीसी नेट करके आप टेलीग्राम सर्च करेंगे मिल जाएगा, या फिर इस लिंक से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. चलो तो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर. तो अभी जो आप लोगों का एनर्जी से रिलेटेड, जैसे ई गवर्नेंस आता है, आईसीटी एंड ई गवर्नेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ना स्कीम पूछा जाता है कि आईसीटी में कौन सी स्कीम आई है, ठीक है, या फिर एनर्जी की कोई आप लोगों का इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स पूछ ली जाती हैं. तो अभी आप सभी को पता है कि अयोध्या के अयोध्या बहुत ही एक्टिव, ये लगा लीजिए एक्टिवली उसके ऊपर चीजें हुई हैं, क्वेश्चंस हैं, पॉइंटर्स बने हैं. तो उन्हीं में से एक पॉइंटर है फॉर आवर पेपर वन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस सूर्योदय योजना. हाल ही में प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है. राइट, इसमें क्या है, जो पीएम सूर्योदय योजना है, पीएम मोदी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या से रिटर्न करने के बाद, लाइक ये जो आप लोगों का स्कीम लॉन्च हुआ है 22 जैन को, इतना डीप में तो नहीं पूछेगा, बस इतना है कि ये जो सूर्योदय योजना है वो किससे रिलेटेड है. इसका जो उद्देश्य है अंडर दिस स्कीम, जो रूफ टॉप सोलर है, आप इन्वायरमेंट में भी स्टडी करते हैं, रूफ टॉप जो सोलर है वो रूफ्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा मिडल एंड पुअर क्लास पीपल इन द कंट्री. जो भी मतलब मिडल क्लास मध्यम वर्ग है या फिर जो निचला स्तर है पुअर क्लासेस पीपल है, उनके घरों में रूफ टॉप इंस्टॉल करने की बात की गई है अंडर दिस स्कीम. उसी के साथ साथ इसका उद्देश्य ये है कि ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यील्ड कर पाएं और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको रिड्यूस कर पाएं. ये इसका क्या है, मोटिव है पीएम सूर्योदय योजना 2024 स्कीम का. इसके की कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, नेम जो आप लोगों का स्कीम का नेम, पोस्ट तो नहीं बोलेंगे, स्कीम का नेम क्या है, पीएम सूर्योदय योजना. किसने स्टार्ट किया, नरेंद्र मोदी जी ने. कहां से, इंडिया से. ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर बिल को रिड्यूस करना. बेनिफिशियरीज के कौन रहेंगे, मतलब ये कौन यूटिलाइज करेगा इस स्कीम को, मिडिल एंड पुअर क्लास पीपल इन द कंट्री. और यहाँ पर क्या इंस्टॉल किया जाएगा, रूफ टॉप सोलर की बात किया गया है इंस्टॉलेशन की. लॉन्च कब हुआ, 22 जनवरी को. और अगर ऑफिशियल साइट की विजिट की बात करें तो https://solarrooftop.gov.in के ऊपर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. करंट अफेयर नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द यूएस टू गवर्नमेंट स्कूल इन सिलिकॉन वैली विल इंक्लूड हिंदी लैंग्वेज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज इन देयर करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम. अमेरिका के अंदर देखो, हमारे यहाँ पे तो हिंदी डेफिनेटली हम लोग स्टडी करते हैं, रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, एनईपी 2020 के अलाइनमेंट्स की भी बात करें तो. अब यहाँ पर स्पेशल, ये स्पेशल क्यों है, यूएस के अंदर ये चीज आई है,
कि आपका यूएस के अंदर अमेरिका में दो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं सिलिकॉन वैली के, उन्होंने पहली बार अपने करिकुलम के अंदर हिंदी भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में क्या किया है, शामिल किया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हिंदी को इस तरीके से प्रोत्साहन मिला है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली में पहली बार दो सरकारी स्कूल अपने पाठ्यक्रम में विश्व भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी को एक वैकल्पिक इलेक्टिव विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय का फ्रेमोंट में भारतीय अमेरिकी समुदाय ने स्वागत किया है। ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट ये चाहते थे कि हमें हिंदी भी सीखना है, तो उनके लिए काफी क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर अगर एरिया के अंदर माना जाए तो भारतीय अमेरिकों की संख्या क्या है, मैक्सिमम मानी जाती है। तो बेटा इसका जो पीडीएफ है आपको प्रीति पेपर वन यूजीसी नेट करके सर्च करो, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। एक बार आप क्लास को सुनोगे और पीडीएफ को रिवाइज करोगे तो वो चीज आप लोगों के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स है, जो कि आप एक बार देखना, क्योंकि सुनने से फिर हमारा क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रहती हैं। नेक्स्ट थर्ड आपका करंट अफेयर आता है, ये रिलेटेड आपका आईसीटी से रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एआई बेस्ड आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अनुवादिनी ऐप फॉर मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन। आपको पता है कि एनईपी 2020 किस चीज को सपोर्ट करती है, मल्टी लैंग्वेलिज्म को, बहुभाषा को सपोर्ट करती है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है। ये क्या है, आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जो कि डिजिटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। ओके, ये किसका इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यहाँ पर कॉपरेट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये कौन सी ऐप है आप लोगों का, पर्टिकुलर ऐप का नेम है अनुवादिनी। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन के लिए कौन सा ऐप यूज हुआ, अनुवादिनी, या फिर अनुवादिनी ऐप का क्यों यूज किया है फॉर मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, तो ताकि जो डिजिटल स्टडी मटेरियल है वो इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट फोर्थ करंट अफेयर्स आता है, आईआईटी मद्रास इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स कोटा इन यूजी एडमिशन। अगर आईआईटी मद्रास की बात करें, उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा को भी क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की बात आती है। ये पहला आईआईटी बना है इंडिया के अंदर जिसने स्पोर्ट्स कोटा को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अंदर क्या किया है, क्रिएट टू सुपर न्यूमरेरी सीट्स इन ईच कोर्स फ्रॉम द 24-25। अगर आपसे साइकिल भी पूछा जाए तो 24-25 से ये चीज इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें एक सीट फीमेल के लिए रहेगा, जबकि अदर क्या रहेगा, जेंडर न्यूट्रल रहेगा अंडर द स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी एडमिशन के अंदर। बट द कंडीशन इज कि जो भी कैंडिडेट इस चीज को क्लेम करता है उसके पास एटलीस्ट वन मेडल होना चाहिए इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इन लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में उसने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल जीता हो। अगला करंट अफेयर है, ये सिर्फ डेट आपको याद रखना है कि आपका इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of January। ये आपका सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट सेट के अंदर इंपॉर्टेंट है कि रेयर गोल्डन टाइगर, ठीक है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर को काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखा गया है हाल ही में। ये क्या है, इसको देखा गया, तो इसका आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर आफ्टर द सेशन भी, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगला चीज है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनऑगरेटेड ई बस इन जम्मू थ्रू वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड के थ्रू ई बस सर्विस जो है वो कहाँ पे शुरुआत किया गया आप लोगों का, जम्मू के अंदर। बेनिफिट क्या है, हर 20 मिनट के बाद बसें जाएंगी, रात के 11 बजे तक भी इसकी सुविधाएं जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे ताकि लोकेशन को ट्रैक करने में भी क्या रहे, कंफर्ट रहे। इन केस किसी की तबीयत खराब होती है, देन यहाँ पर जो भी फैसिलिटी है हेल्थ रिलेटेड वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ई बस इनिशिएटिव, ये जो कि जम्मू में शुरू किया गया, और इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का आईसीटी और ई गवर्नेंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये पूछ सकता है कि आपका डिजिटल कोर्ट 1.0 एप्लीकेशन ठीक था, अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है डिजिटल कोर्ट
2.0 एप्लीकेशन, जिसके अंदर जो भी आपके कोर्ट रिलेटेड हैं उनको ऑनलाइन तरीके से ट्रैक किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हायर एजुकेशन के लिए है। इंडियाज फर्स्ट रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस रिसर्च का कहाँ पे स्थापित होगा, ये आपका उज्जैन में। कौन सी आईआईटी है ये, आईआईटी इंदौर है। आईआईटी लिख रखा है ना, तो इति आपका ट्रांसलेशन वाला भी आ जाता है, बट यहाँ पे इति क्या है, आईआईटी इंदौर है। इनका ये क्या रहेगा, पहला फर्स्ट रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस रहेगा जो कि उज्जैन के अंदर इसका स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या रहेगा, इंटरनेशनल लेवल रिसर्च और एडवांस एजुकेशन यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सके, ये इसका क्या है उद्देश्य है। कि और कितने एरिया के अंदर, ये अराउंड 100 एकड़ एरिया के अंदर इसको स्पैन किया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, रिसेंट में काफी न्यूज था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिक्लेयर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC को क्या कर दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो बेटे ध्यान रहे, इसको आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट वीडियो को ध्यान से सुनना है, उसी के साथ साथ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप इसको कवर करते हैं आप लोगों को ये चीजें क्या रहे, याद रहे, ताकि लास्ट मिनट पे आप इनको क्विक रिवीजन दे पाए। तो जो इंडियन IIMC क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के अंदर ये काफी अपना अच्छे पकड़ इसका माना जाता है। तो ये क्या बोला गया है, ये अब इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, मतलब ये डिग्री को अवॉर्ड कर सकता है, अपने खुद के डिसीजन, एक तरीके से ऑटोनॉमी मिल जाती है ना, अपना सिलेबस, अपना फी स्ट्रक्चर, आपको पता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का होता क्या है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIMC न्यू दिल्ली को तो ये दर्जा दिया ही दिया है, IIMC न्यू दिल्ली को तो ये दर्जा मिल ही गया है, उसी के अलावा इसके कितने रीजनल सेंटर है, 5 रीजनल सेंटर है, ठीक है, वो 5 रीजनल सेंटर है उनको भी डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ओके, उनको भी 5 जो ये आप लोगों के रीजनल सेंटर है उनको भी ये दर्जा दिया, कहाँ कहाँ पे, जम्मू, महाराष्ट्र, उसके बाद मिजोरम, केरला और ओडिशा, यहाँ पर आप लोगों के क्या है, इसके 5 रीजनल सेंटर हैं। नाउ इट इज ऑथराइज्ड टू ऑफर इट्स ओन डिग्री एंड डॉक्टरल प्रोग्राम, जो कि इनका एकेडमिक कैपेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। अगर थोड़ा सा हम इसके बैक में जाते हैं, तो IIMC दिल्ली किसने स्थापित किया था, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ, IIMC दिल्ली को स्थापित किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको स्थापित किया था, कब, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी क्या है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो कि हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जर्नलिज्म में, या फिर इससे रिलेटेड जो भी सब्सटेंशिएटिव रिसर्च है इस फील्ड के अंदर, मीडिया मास कम्युनिकेशन, उसमें बहुत एंगेज्ड ही अपने आप को बताता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों की यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता है 2 फरवरी को, ठीक है, आप कन्वेंशन स्टडी करते हैं, प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं इन एनवायरनमेंट, तो 2 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 2 फरवरी विश्व आर्द्र दिवस इस दिन क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसके लिए कन्वेंशन भी है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन के नाम से हम स्टडी करते हैं, और ये कब आया था आप लोगों का, 1971 के अंदर ही आपका कन्वेंशन आता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अभी टोटल कितनी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कितनी यहाँ पर क्या है आप लोगों की, सॉरी, वेटलैंड साइट्स हैं। तो अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कितनी साइट्स हैं, 80 साइट्स हैं टोटल। क्या है आज मैं इसका आप लोगों को, ये सोर्स मैंने लिया है MOEFCCC से लिया है, अगर आप मैप भी देखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे 80 साइट्स मानी जाती है, और लास्ट आपका अलग अलग है, 80 का लिस्ट मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग यहाँ पर क्या किए ऐड, जैसे कि अभी जनवरी के अंदर कर्नाटका में तीन साइट्स ऐड हुई हैं कर्नाटका के अंदर, ठीक है, जैन के अंदर। तो अराउंड आप लोगों की अभी कितनी है, 80, इससे पहले 75 आंसर आता था, अभी के लिए 80 है।
North India's first human DNA bank will be created in Banaras Hindu University. North India का पहला human DNA bank कहाँ पे create किया जाएगा? BHU के अंदर. यहाँ पर क्या रहेगा? ये लगा लीजिए automated DNA extractor machines का use किया जाएगा. Okay? कौन सा विभाग है? जंतु विभाग है. लैब कौन सा है? ज्ञानेश्वर लैब है. और यहाँ पर इस पर्टिकुलर का उद्देश्य क्या है? एक ही क्लिक के ऊपर पूरा मेडिकल हिस्ट्री क्या आ जाएगी? सामने आ जाएगी. ओके, तो ये आप लोगों का पहला, जो नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहाँ पे हुआ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर. ये चीज आप लोगों को याद रखना है. क्लियर हुआ? ज्ञानेश्वर लैब के अंदर, ये भी याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं बात करती हूँ, अगला आ जाता है. यहाँ पर मैं एक बार रामसर साइट की आप लोगों को ना ये चेक दिखा देती हूँ कि रामसर साइट का जो आप लोगों का ये देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई होप वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे विजिबल है. तो देखिए रामसर वेटलैंड साइट, यहाँ पर देखिएगा कब की डेट के अकॉर्डिंग है ये? जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग है. तो और यहाँ पर ये सोर्स आप देख सकते हैं, सोर्स क्या है ये? MOEFC, जो मिनिस्ट्री ऑफ आप लोगों का इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका ये सोर्स यूज किया गया है. और यहाँ पर साइट्स के नेम भी डाल रखे हैं, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में कौन सा है और कब यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था. अभी जो तीन लेटेस्ट बताई गई, कर्नाटका के अंदर ये आप लोगों का, उसके बाद 31 जनवरी को, ये तीन आप लोगों की मानी जाती है. तो अभी टोटल कितनी मानी गई है? 80 साइट्स यहाँ पे बनी हुई है. तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 2nd को रामसर कन्वेंशन आपका सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये था आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव है. एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को देना इन द कॉमेंट सेक्शन, कि इनमें से नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा पॉइंट क्या है ट्रू है, कि नालंदा आपका कब यहाँ पर ब्रिटिश राज में बना था, क्या ये पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, एक्सक्लूसिव सेंटर था लिटरेचर आर्ट्स का, और रिमेन ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूसली, जब से बनी है तब से ये कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशनल है. तो इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो ये था इंपॉर्टेंट सेशन. इसका PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या प्रीति पेपर 1 UGC नेट से आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. सो लाइक शेयर करिए सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.